हम यहाँ पे सेक्शन 354 के बारे में बात कर रहे हैं आईपीसी, विच इज आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन। तो ये जो सेक्शन है ये फरवरी 2013 से पहले, 3/2/2013 से पहले बेलेबल ऑफेंस माना जाता था, लेकिन सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट से इसको नॉन बेलेबल कर दिया गया। ना सिर्फ इसको नॉन बेलेबल कर दिया गया, इसकी कोई भी आदमी इस मंशा से किसी की मॉडेस्टी को आउटरेज करना चाहता है तो उसके लिए ये नॉन बेलेबल ऑफेंस इन्होंने बनाया है। काफ़ी सख्ती करी है इस सेक्शन में, लेकिन सख्ती के साथ साथ इसका बहुत मिसयूज भी हो रहा है। और 354 पहले सिंपलिसिटर था, अब उसको 354 ए बी सी डी चार भागों में और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जैसे कि 354 ए है, तो 354 ए को इन्होंने अवेलेबल रखा है। तो 354 ए के अंदर सिर्फ इतना है कि सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट को रखा गया है। 354 बी के अंदर कि अगर कोई भी इस मंशा से किसी औरत को के कपड़े उतारने की कोशिश करे, उसको डिसरोब करने की कोशिश करे, सो दैट हैज़ बीन मेड नॉन अवेलेबल। फिर 354 सी है जो कि वॉयरिज्म है, जिसके अंदर कि कुछ भी ऐसा करने की कोशिश से लड़की को तंग किया जा रहा है, उसका पीछा किया जा रहा है, और उसकी कोई प्राइवेट में उसकी ऐसी जहाँ पे वो प्राइवेट सोचती है मैं प्राइवेट हूँ, वहाँ पे उसकी कोई फ़ोटो खींच के उसका मिसयूज किया जाता है, तो 354 सी को भी अवेलेबल रखा गया है। लेकिन 354 डी विच इज़ स्टॉकिंग, कि कोई किसी का पीछा करता है उसको तंग करने के लिए, और अगर जो ये है अगर इसको वो रिपीट करता है, पहली बार पकड़ा जाता है और रिपीट करता है, तो इसकी सज़ा पहली बार के लिए 2 साल है, लेकिन अगर रिपीट करता है तो इसकी सज़ा 5 साल है और ये नॉन अवेलेबल हो जाता है। तो आजकल इस तरह के 354 में बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रही हैं, और काफ़ी कंप्लेंट्स ऐसी पाई गई हैं कोर्ट के अंदर भी जो कि झूठी हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी सेक्शन आपके खिलाफ इन्वोक होता है, इमिजिएटली आपको किसी लॉयर के एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत मिसयूज है इस सेक्शन का, एंड द मिसयूज ऑफ द सेक्शन इज क्वाइट रैम्पेंट, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है जब से ये अमेंडमेंट हुई है। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस सेक्शन, बिकॉज इसके अंदर बहुत बारी सिर्फ 354 लिख दिया जाता है, कुछ क्लैरिफाई नहीं किया जाता, और जब तक क्लैरिफिकेशन की बात आती है तब तक जिसके खिलाफ एलिगेशन है वो अरेस्ट हो जाता है। सो इट्स अ वेरी सीरियस सेक्शन एंड लॉट ऑफ मिसयूज इज बीइंग डन। सो बी केयरफुल कि जब भी अगर इस तरह का कोई भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डिफेंस के लिए बिल्कुल तैयार रहें। अगर आपको कोई भी नोटिस आता है जिसके अंदर नॉन अवेलेबल ऑफेंस आपके खिलाफ लगा है, तो आपको किसी वकील के साथ उसके बारे में सलाह करनी चाहिए, क्योंकि उस नोटिस के ऊपर अगर पुलिस को लगे आपको बुलाने के बाद अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो आपको किसी न किसी लॉयर से इसके बारे में कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए और बताइए और पूछिए कि आपकी क्या क्या लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, कि क्या आपको इस नोटिस के खिलाफ पहले बेल के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सो व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू, तो ये आपको डिस्कस करना चाहिए। Get expert legal advice with Lorato.com. Hit subscribe on our YouTube channel and click the bell icon to receive notifications. You can also follow our Facebook page and get the latest posts in your newsfeed.